हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे। आप देख रहे हैं प्यारे विद पेशी यूट्यूब से। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हरियाणा की पेंशन अगर नहीं आई है तो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी 2-3 महीने से बुढ़ापा, विधवा, लाडली और दिव्यांग पेंशन नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अपने समाज कल्याण विभाग यानी पेंशन विभाग में जाकर बताना है कि हमारी पेंशन 2-3 महीनों से नहीं आ रही है। आप चेक करके बता दीजिए कि हमारी पेंशन किस कारणवश रोकी गई है। तो फ्रेंड्स, कई बार दिक्कत तो आपके डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाती है। और फ्रेंड्स, कुछ बैंकों का जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जो IFSC कोड है वह भी चेंज हो गया है, क्योंकि अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स PNB में मर्ज हो गया है। मर्ज होने के कारण उसका IFSC कोड चेंज हो गया है। तो आप वहां जाकर अपनी बैंक डिटेल्स भी अपडेट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कारण से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की पेंशन नहीं आ रही है अकाउंट्स में, जिसके कारण जो पेंशन धारक है उन्हें समस्या आ रही है। और मेरे पास उनकी कमेंट आती है कि सर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की पेंशन 2 महीनों से नहीं आ रही है। तो यही कारण है कि उसका IFSC कोड अपडेट हो गया है। और अगर आपकी पेंशन किसी और कारण से भी नहीं आ रही है तो भी आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर अपनी डिटेल ठीक करवा सकते हैं। अगर आपकी डिटेलों में कोई गलती है जिसके कारण आपकी पेंशन को रोक दिया गया है तो वहीं से आप अपनी पेंशन को चालू करवा पाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।